हेलो विद्यार्थियों, ये देखिए बिल्कुल नया चैप्टर है, सत्यता और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी है सत्यता। तो पहला क्या है, कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है। अगर सपोज कर लीजिए कोई फलन दिया है वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। अगर ये देखिए, ये इस तरह से है, इसका एक ग्राफ खींच दिया गया है। आई बात समझ में, एक ग्राफ बीच में कहीं ब्रेक ना हो, भंग ना हो। आई बात समझ में, ये है जीरो, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, ए एक्स डैश है, ए वाई डैश है। इसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई लिखा जाता है। आई बात समझ में, कहीं पे बी वाई भी लिखा जाता है, ए वाई भी लिखा जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। ये क्या है, परवलय का समीकरण। देखिए ये ऐसे भंग नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिसका लेखा चित्र कहीं भी क्रम भंग न हो, तो ऐसे फलन को हम सतत फलन कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। आई बात समझ में, ये सपोज कर लीजिए, ये दूसरा चीज़ क्या है, आप ऐसे बना रहे, ऐसे है, फिर जो है ये फिगर ऐसे बना, ये जीरो है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ आया, फिर यहाँ से ख़त्म होकर के फिर ये ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये सतत नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे फलन जिसका लेखा चित्र क्या हो, कंटिन्यूअस हो, कहीं पे भंग ना हो, ऐसे फलन को क्या कहेंगे, हम सतत फलन कहते हैं। आप जैसे लिमिट पढ़ा है, लिमिट में एक चीज़ ध्यान दीजिए, लिमिट पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था। अगर कोई फलन एफ एक्स दिया हुआ है, उसका प्रांत सी का कोई बिंदु दिया है, तो क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिख देंगे, एफ सी लिखेंगे। आई बात समझ में, ये चीज़ है देखिए, या आई बात समझ। तो ये बिल्कुल ही लिमिट की तरह ही है, लिमिट ही, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो पढ़ाया गया था पिछले साल, लिमिट का एक देखिए फार्मूले में देखें, तो क्या होता है, ये चीज़ होता है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, संत लिखने के लिए, जैसे कोई लिखा है फलन ए सी, कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो सी पर या पॉइंट ए पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, तो किस तरह से लिखते, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पे पॉइंट ए माइनस ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ए हुआ एस टेंस टू जीरो। आई बात समझ में, एफ यहाँ क्या है, ए माइनस ए एच लिखते हैं। आई बात समझ में, तो ए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और दूसरा क्या होता है, राइट हैंड लिमिट हो गया, तो लिमिट ए एक्स टेंस टू ए यहाँ प्लस होगा, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो ए एफ, यहाँ होगा ए प्लस ए एच। आई बात समझ में, तो पॉइंट ए पर अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए एफ ए, ये तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो फलन क्या होगा, सतत होगा। आई बात समझ में, तो फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। तो इन तीनों का मान हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या एफ इक्वल टू ए, इस तरह से इसकी वैल्यू अगर तीनों बराबर होती है, तो वो फलन सतत कहलाता है। आई बात समझ, अगर तीनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे फलन क्या है, सतत नहीं है। आई बात समझ में, अब इसमें सतत के कुछ जो है परिभाषा दिया गया है, जैसे पहला क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, सतत कहलाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, काट एक्स, ये सब क्या कहलाते हैं, फलन सतत कहलाते हैं। अब देखिए कि सतत फलन, देखिए सतत फलन में कोई
कुछ थियरम्स देखें, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थियरम, महत्वपूर्ण प्रमेय। आई बात समझिए, महत्वपूर्ण प्रमेय है सतत फलन के लिए। नंबर पहला, प्रमेय नंबर एक, प्रमेय नंबर वन, प्रमेय नंबर वन है एफ एक्स इक्वल टू सी। सी मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत फलन है, नियत फलन क्या होता है? सदैव सतत, सदैव सतत होता है। आई बात समझ में? तो एफ एक्स कोई भी कांस्टेंट टर्म क्या होगा? सदैव सतत होगा। दूसरा है प्रमेय नंबर दो। प्रमेय नंबर दो क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर दो है तत्समक फलन सदैव, फलन सदैव, सदैव क्या होते हैं? सतत होते हैं। आई बात समझे? प्रमेय नंबर तीन, प्रमेय नंबर तीन है एक बहुपदीय, बहुपदीय फलन सदैव, सदैव सतत होते हैं। नंबर चार, प्रमेय चार, मापांक फलन सदैव सतत होता है। नंबर फाइव, साइन फलन सदैव सतत होता है, साइन फलन सदैव सतत होता है। आई बात समझ में? अगर कोई दिया हुआ है साइन है, फिर नंबर छः क्या होता है? कोसाइन है, कोसाइन फलन सदैव सतत होते हैं। टैन फलन नंबर सात, टैन फलन अपने प्रांत पे सदैव सतत होते हैं। उसके बाद काट फलन सदैव अपने प्रांत पे सतत होते हैं। उसके बाद नंबर आठ है, नंबर नाइन है, काट के बाद क्या होता है? सेक अपने फलन पे सदैव सतत होते हैं। नंबर टेन कोसेंट माने कास अपने फलन पे सदैव सतत होते हैं। ये चीज़ हमको याद रखना है। आई बात समझ में? तो कांस्टेंट टर्म असत होते हैं, सतत होते हैं, और तत्समक फलन बहुपदी फलन, ये सब थ्योरम याद रखना है। किताब में और सब भी दिया हुआ है। अब देखिए एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये देखिए एक्सरसाइज 5.1। आई बात समझ में? तो 5.1 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो। लिखा है एक्स इक्वल टू थ्री पर फलन एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ की जांच कीजिए। आई बात समझ में? एक्स इक्वल टू थ्री पर फलन का सत्यता की ये जांच करना है कि सतत है कि नहीं है। देखिए सॉल्व इसका, देखें सॉल्यूशन सॉल्व क्या लिखा है। ये फलन एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये लिख दिया गया। तो एफ थ्री इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ देखिए टू इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस वन,
इक्वल टू 2 × 9 − 1, तो कितना होगा, 9 × 2 = 18, 1 = 17 हो गया। समझ में बात आ गई, ए एफ 3 की वैल्यू इतना आ गया। अब इसमें हम दो क्या लेते हैं, दो लिमिट लेते हैं। पहला क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ देखिए, लिमिट ए एक्स टेंस टू 3, या माइनस लगा देंगे या फिर एक्स लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट ए एक्स टेंस टू 0। अब यह क्या हुआ, एफ 3 − h इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0। अब देखिए ये वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू यहाँ है, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे, तो लिखेंगे 2 − h² − 1 लिमिट एस टेंस टू 0। ये हुआ 2, ये कितना होगा 9 + h² − 6 h − 1 इक्वल टू, अब देखिए लिमिट टेंड कराएंगे, ए 0 हो गया, ए 0 होगा, 9 × 2 = 18, 1 = 18 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 17 हो गया। ठीक है, अब क्या है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 3 यहाँ प्लस लिख देते हैं एफ एक्स लिखेंगे, आई बात समझ में, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ यहाँ 3 + h लिखेंगे। ठीक है, तो 3 + h लिखेंगे तब यहाँ क्या होगा, ये देखिए ये लिमिट एस टेंस टू 0, अब यहाँ पे देखिए ये हुआ 2 × 3 + h² − 1 इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, ये हुआ 2, ये कितना होगा यहाँ पर, ये हुआ 9 + h² + 6 − 1 लिमिट टेंड करा दें, तो लिमिट टेंड कराएंगे तो ये 2 होगा, ये 9 + 0 − 1, इसमें क्या होगा, ये होगा 9 × 2 कितना होगा, 9 × 2 = 18 − 1 = 17। तो ये यहाँ देखिए ये क्या है, ये है राइट हैंड लिमिट, आई बात समझ में, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और यहाँ एफ 3 की वैल्यू, सबका वैल्यू क्या है, एक ही चीज़ आ रही है 17 है, अतः क्या होगा फलन, 17 होगा, आई बात समझ में। तो हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना है, 17 है। ठीक है, अतः फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 3 पर क्या है, 17 है, आई बात समझ में। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ हमने एच को 0 कैसे लिखा, ये पिछले साल हमने बताया था जब लिमिट पढ़ा रहे थे, तो उसकी वैल्यू हमने रखा है, यहाँ एक्स की जगह पे हमने क्या रखा है, देखिए यहाँ एक्स है, एक्स की जगह पे ये क्या रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि एक्स इक्वल टू 3 − h। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स किधर जा रहा है, टेंड कर रहा है, तो 3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ होगा 3 = 3 − h। अब देखिए 3 से कैंसिल हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो एस टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया, ये समझ लीजिएगा, पिछले साल ये सब बताया गया था कि लिमिट कैसे रख, वही चीज़ यहाँ भी है, एक्स इक्वल टू क्या लिखे हैं, 3 + h, देखिए यहाँ एफ एक्स एक्स की जगह पे क्या लिखा है, 3 + h लिखा हुआ, तो आई एक्स का मान क्या है, किस पे हमको, एक्स किधर टेंड कर रहा है, 3 की तरफ कर रहा है, तो यहाँ 3 = 3 + h, देखिए कैंसिल हो गया, तो ये एच किसकी तरफ आ गया, तो एस टेंस टू क्या, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, समझ में बात आ गई, ये चीज़ तो पिछले साल बताया ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से ये चीज़ हमको दिखाना है, आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, पहला क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 तथा एक्स इक्वल टू 5 पर सतत है। आई बात समझ में? क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्यूशन देखिए, देखिए इसका, क्योंकि दो ही दिन क्लास चल रहे हैं, दो या तीन दिन चलेगा, इधर फिर बंद हो जाएगा, तो फिर से उसको बताना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करने की आजकल में कोशिश कर लेंगे, इसलिए हम छोटे छोटे चीज़ जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये नहीं, इसमें बहुत सारे थ्योरम छोड़ा है, डिफिनीशन छोड़ा है, वो सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे, जब क्लास स्टार्ट होगा तो इसके फिर से हम देखेंगे। तो दिया है, ये क्या दिया है, फलन देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5x-3। तो पहला एक्स इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पर एफ 0 इक्वल टू 5×0-3 इक्वल टू -3, एफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, -3 हो गई। अब हम क्या ले लें, लेफ्ट हैंड लिमिट लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट ये 0 है, एक्स टेंस टू 0, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 0 0 माइनस एच। ठीक है, अब हमको कहाँ रखना है इसको, हमको यहाँ पे रखना है, इसमें रखना है, 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो होगा लिमिट एस टेंस टू 0 5-ch और यह है -3। अब लिमिट टेंड करा देंगे तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो 0 रख देंगे तो ये क्या होगा, -3 हो गया। आई बात समझ में? जैसे हमने पीछे इसका लिमिट काट के दिखाया है वही चीज़ है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ प्लस लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 क्या होगा, यहाँ एफ 0 प्लस एच हो गया। ठीक है, तो लिमिट एस टेंस टू 0 क्या है, यहाँ 5, यहाँ है 5 और 0 प्लस एच क्या मतलब एच होगा, माइनस कितना होगा, 3 होगा। अब लिमिट टेंड करा दे, यहाँ पे तो हमने 0 रख देना है, यहाँ पे 0 रख दिया तो क्या हुआ, -3 हो गया। आई बस, तो देखिए ये लेफ्ट, ये राइट हैंड लिमिट, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है एफ 0 पे, ये सबका वैल्यू क्या है, -3 और ये -3, अतः फलन क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 0, सबका मान क्या है, -3 है, तो लिखेंगे इसलिए एफ एक्स एक्स इक्वल टू जो दो ऊपर क्या है, सतत है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से जब हम 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, -3 रख देंगे, तो 15×3=18 होगा, -18। इसी तरह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, जब 5 लिखना होगा तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5×5=25-3=22 आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं, हम थोड़ा इसको फास्ट करने की कोशिश करें कि जल्दी से ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, एक दो दिन में मैक्सिमम पार्ट कवर कर लें। ठीक है विद्यार्थी, ओके, आगे पढ़ें, कल मैं इसका फोटो भी भेज दूंगा एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन आप करेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा पूछेंगे। ओके, थैंक यू विद्यार्थी।